सो हेलो एवरीबडी, वेलकम बैक टू विनी की दुनिया। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। तो अभी हम लोग अभी यहाँ पे है संडे और आज शाम को हम पिछले हफ्ते यहाँ पहुँच गए थे, तो ऑफिशियली हमें एक वीक हो चुका है यहाँ पे आए हुए। और अभी हम लोग निकल रहे हैं कॉस्को के लिए। आज यहाँ संडे है तो कुछ कुछ चीज़ें हमें देखनी है, अपने नए घर के लिए बाय करनी है, तो हम उसको देखने जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कॉस्को का कार्ड वगैरह बनता है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास पहले का कॉस्को का कार्ड है, अगर उसको रेफरेंस लेके वो नया कार्ड बना देते हैं या फिर पूरा फ्रेश स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए अभी हम जा रहे हैं कॉस्को। और तो चलिए आप लोगों को भी अपने साथ लिए चलती हूँ। आज संडे है, सुबह उठकर हम सब नहाए हैं धोए हैं और थोड़ा लेज़ी टाइप से काम करते करते अभी बज रहा है यहाँ एक, तो अब हम निकल रहे हैं। और जब से हम लोग यूएस आए हैं हम लोग सुबह नाश्ता करते हैं भरपेट और फिर दिन भर हम ऐसे हाउस हंट के लिए रहते हैं और 4 से 5 के बीच में हम लोग अपना लंच या जो भी हैवी मील खाते हैं, इंडियन मील खाते हैं और फिर घर आते हैं और रिलैक्स करते हैं और फिर सो जाते हैं। हाय, तो ये सब भी रेडी हो गए। तो ऐसा करने से क्या होता है, हम लोग यहाँ पे सपर ले रहे हैं तो हम लोग वो हैवी डिनर नहीं करते हैं। हम लोग 5-6 बजे के करीब पूरा भरपेट खा लेते हैं तो फिर हमें भूख लगती ही नहीं है। तो इसकी वजह से ना एक चीज़ तो बड़ी अच्छी हो रही है ना, हमें गैस हो रहा है ना हमें एसिडिटी हो रही है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि ये बहुत अच्छा तरीका है कि अब आने वाले टाइम हम लोग यही करेंगे। तो चलिए बातचीत तो होती रहेगी, अभी हम चल रहे हैं और हो सकता है कल परसों में हमें घर की मिल जाए और हम शिफ्ट हो जाएं होटल से। और हम लिटरली चाहते हैं कि हम जल्दी से शिफ्ट हो बिकॉज अब अपने घर जाएं, खाना बनाएं, इंडियन खाना खाएं। थोड़ा थक गई है बाहर का खाके। हाँ, मैं बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाती भी नहीं हूँ और मतलब मुझे गैस हो जाती है फिर। तो लेट्स सी क्या होता है। तो अभी तो निकलते हैं हम होटल से, कॉस्को आप शिवन्या के ड्रेस को देखकर ये मत सोचिए कि यहाँ ठंड पड़ रही है, यहाँ ठंड नहीं है, यहाँ बाहर बड़ा ही अच्छी धूप निकली हुई है। लेकिन हमें नहीं, एक्चुअली हमें बिल्कुल भी ठंड की आदत नहीं है। हम पूना रहते हैं, पूना में ठंड पड़ती नहीं है ना गर्मी पड़ती है, सिर्फ बारिश ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे अगर थोड़ी भी बारिश होती है तो यहाँ के लोगों के लिए तो बड़ा प्लीजेंट है, लेकिन हम लोगों के लिए हल्की ना मतलब वो एक फ्लीज वाली टाइप की ठंड। सामान लेके क्या सामान लाना है बताओ? सूटकेस और सामान। सूटकेस और सामान, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, आपको भी लिए चलती हूँ कॉस्को। और कॉस्को क्या है, वहाँ हम लोग क्यों जाते हैं या वहाँ पे जो यहाँ के लोग हैं वो क्यों जाते हैं, वो सारी चीज़ें आगे के सफ़र में आप लोगों से बताती रहूँगी। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज व्लॉग फ्रॉम हियर। तो बस निकल चले हम कॉस्को की तरफ और ये बड़ा ही खूबसूरत सा दिन है आज, धूप निकली हुई है, हल्की हल्की हवा चल रही है, तो मज़ा आ गया। और जब हमने कॉस्को को देखा तो हमारी पुरानी यादें जो हैं वो बिल्कुल ताज़ा हो गई क्योंकि हम पहले भी इस जगह पे आते थे तो वो सारी चीज़ें रिकॉल होती हैं। यू ऑल्सो वॉन्ट टू सिट बिकॉज ये बड़ा कार्ट होता है, सौरभ इसको भी बैठा दीजिए। गुड, अब पूरे कॉस्को के मजे लो, चलो गो। तो कॉस्को यहाँ का होलसेल शॉप कह लीजिए, वन स्टॉप शॉप है जहाँ हर चीज़ आपको मिलती है, घर में फर्नीचर से लेके खाने की चीज़ें, किचन की चीज़ें, बेडिंग की चीज़ें, सब चीज़ें मिलती हैं और यहाँ पे हर चीज़ आपको बल्क में मिलती है। तो अगर आपको यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ ख़रीदनी हो जो वंस इन अ वाइल हम ख़रीदते हैं और काफ़ी लंबे समय के लिए चलती हैं, तो आप यहाँ आएँ और यहाँ से परचेजिंग करें। ज़्यादा ईटरी सेक्शंस यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्रॉसो मिलेंगे, बट द प्रॉब्लम इज एवरीथिंग कंटेन एग, तो मैं यहाँ कुछ खा ही नहीं पाती हूँ क्योंकि यहाँ ये बड़ी डिलीशियस सी चीज़ें मिलती हैं, केक्स मिलते हैं, दीज आर द केक्स एंड मफिन्स, बट मैं नहीं खा पाती हूँ क्योंकि इन सब में एग होता है। सी दिस आर सो ब्यूटिफुल इट इज, बट These are
सौरभ का बचपना भी चल ही रहा है। हर चीज का ना इतना बड़ा बड़ा वैल्यू पैक, मतलब इतने बड़े बड़े पैक, उनका हम क्या करेंगे। तो दीज आर गुड। वर्जिन कोकोनट ऑयल, तो ये पूरा आप खरीद लें। देन इट इज नानक का देसी घी क्लारिफाइड बटर, वी कैन बाय दिस। और फिर ये सारी चीज़ें मिलती हैं, जितने ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं ये मिलेंगे आपको। फिर ये मिलेगा। सो हेलो, हम लोग वापस आ गए हैं अभी कॉस्को से, और बस जो थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी वो हमने शॉपिंग कर ली, और ये सारे के सारे आ गए। और अभी हम लंच करने नहीं गए क्योंकि अभी शिवू टाइम कितना हो रहा है, 3:52। तो अभी 4 बजने वाले हैं, तो 1 घंटे के बाद हम लोग निकलेंगे और अपना सफर करके आएंगे। वो हमें आजकल ज्यादा सूट कर रहा है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लंच ना करें। और लंच में वैसे हम लोगों ने हल्का सा पिज्जा, मतलब शिबू के मुंह के लिए ऑर्डर किया था, थोड़ा बहुत सौरभ ने और मैंने भी ले लिया, तो हल्का फुल्का पेट हमारा भरा है। अब हमें बहुत ही प्रचंड भूख लगेगी, उस समय हम यहाँ से निकलेंगे, खाएंगे और आएंगे और फिर थोड़ा इंजॉय करेंगे और सो जाएंगे। सो चलिए अभी तो हम जो सामान लेकर आए हैं पहले उसको देखें कि क्या है वो, और फिर जब निकलते हैं इंडियन रेस्टोरेंट के लिए तब आपसे मिलते हैं। तो किसी को ठंडी नहीं लग रही, बस मुझे ठंडी लग रही है क्योंकि मुझे बहुत ठंडी लगती है। तो अभी हम लोग खाना ऑर्डर करेंगे, खाना खाएंगे, और अभी कितना बज रहा है, 6 बज गए हैं, और आपको देखिए लग नहीं रहा होगा कि 6 बज रहे हैं। बाहर ऐसा लग रहा है कि अभी 4 बज रहा है, लेकिन अभी बज रहे हैं 6। तो हम लोग होटल रूम पे जाते जाते हमें बज जाएगा 7:30, और बस उसके बाद हमारा डिनर खत्म। और डिनर कर लेते हैं और फिर होटल चलते हैं। फिर हम लोग वापस आ गए हैं रेस्टोरेंट से, और बस अब हम लोग इंजॉय करेंगे क्योंकि होटल में कुछ काम तो है नहीं। तो हम लोगों ने प्लान किया है कि आज मूवी लगाएंगे अपने लैपटॉप में और फिर मूवी देखेंगे। कल हमारे लिए बहुत ही स्पेशल दिन है क्योंकि हो सकता है कल हमारी कीज मिल जाए, हमारा अग्रीमेंट साइन हो जाए। ठीक है, सब कुछ लाएंगे। आज हम लोग खेलेंगे, मस्ती करेंगे। बस बहुत ज्यादा शोर मचा रही थी तो मुझे कट करना पड़ा। तो अब हो सकता है कि कल हमें जो है हमारी कीज मिल जाएं और फिर हमारा घर हम कल से शिफ्ट करेंगे। तो जैसा भी रहेगा मैं आपको कल बताऊंगी। और आज के अपने व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। तो आज का व्लॉग संडे का व्लॉग था, और थोड़ा बाहर बाहर निकले, थोड़ा बाहर बाहर खाया। हम लोग इतने निश्चिंत इसलिए थे क्योंकि यहाँ सैटरडे संडे कुछ होता नहीं है। तो लीज़ की चाबी मिली नहीं हमें, घर की चाबी, अदरवाइज आज के दिन बैठ के हमने घर शिफ्ट किया होता। बट स्टिल हम लोग आज कॉस्को गए थे, कुछ चीज़ों को देखना था कि हम कहाँ से लें, तो वो चीज़ सॉर्ट आउट हुई। अब कल हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन है बिकॉज़ कल हमें कीज़ मिलेंगी, कल हम थोड़ा बहुत सामान शिफ्ट करेंगे, फिर घर में कुछ राशन पानी भरना है वो भरेंगे। तो कल का जो मेरा जो टूर है या कल का जो मेरा व्लॉग है वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो बस आज के व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। होप करती हूँ कि आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अब तक का व्लॉग शायद आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। कहीं पे साइन ऑफ करती हूँ, कहीं पे साइन ऑफ करना भूल जाती हूँ, बट स्टिल ये मेरा पूरा ट्रैवल का टाइम चल रहा है, तो जो याद आता है मैं शूट करती रहती हूँ। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक, फिर मिलूँगी आपसे अपने कल के नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।